गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों? चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 6। कल लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़े थे आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत और द्रव्यमान में परिवर्तन। कल कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हुए थे प्यारे बच्चों। अभी और आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया जाएगा, एक अलग वीडियो बनाया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। तो आज चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो लिखते हैं बच्चों कि वैद्युत पदार्थ के आधार पर वैद्युत गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों को या पदार्थों के प्रकार। तो कह रहे बच्चों वैद्युत गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों के प्रकार, कह रहे बच्चों चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, वैद्युत गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों को चार भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो कौन कौन से पार्ट है बच्चों, चलिए देखते हैं। नंबर 1, कंडक्टर, चालक जिसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सुचालक। दूसरा पॉइंट है आचालक, इंसुलेटर, इसका दूसरा नाम है बच्चों कुचालक। और तीसरा है बच्चों अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जिसे बोलते हैं। चौथा है परावैद्युत पदार्थ। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर का ये जो टॉपिक चल रहा है, इन सब के आधार पर हम लोग को आवेश को परिभाषित किए हैं और इन्हीं से संबंधित है सब। तो चालक या सुचालक, चालक या सुचालक की परिभाषा कई होते हैं। ऊष्मा के रूप में अलग, उसके बाद धारा के रूप में अलग, इधर आवेश के रूप में अलग। तो प्यारे बच्चों चलिए इनको समझते हैं। चालक या सुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सके, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, आसानी से प्रवाहित होते हैं, क्लियर? तो हम क्या बोलते हैं चालक या सुचालक? जैसे चाबी माना जाता है सबसे अच्छा चालक, क्लियर? आचालक जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं, या आवेश को भी बोल सकते हैं, क्लियर? या ऊष्मा भी बोल सकते हैं, क्लियर? तो ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन या आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? आचालक या कुचालक, क्लियर? ध्यान दें। अब अर्धचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें चालकों और आचालकों दोनों का गुण उत्पन्न होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें चालकों और आचालकों दोनों का गुण होता है, जैसे आप लोग जानते हैं सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, है ना? इट इज बोथ। अब परावैद्युत पदार्थ के बारे में जानते हैं, यही चीज हमको पढ़ना है। बाकी इन सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आएंगे बीच बीच में। बस इतना ही याद रखना है कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं उसे हम बोलते हैं सुचालक या चालक, और जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकते हैं उसे बोलते हैं कुचालक, क्लियर? और अचालक जिनमें ऐसे पदार्थ जिनमें चालकों और अचालकों दोनों का गुण होता है उसे बोलते हैं अचालक, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऐसे हो, क्लियर? परावैद्युत पदार्थ ए इंपॉर्टेंट।
ऐसे पदार्थ जिन्हें आपस में रगड़ने पर अन्य सूक्ष्म में छोटी वस्तुओं के पास रगड़ने पर सूक्ष्म वस्तुओं के पास ले जाने पर उन वस्तुओं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। क्लियर बच्चों? ऐसे पदार्थ जिन्हें आपस में रगड़ कर ऐसे लिखते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें आपस में रगड़ कर सूक्ष्म वस्तुओं के पास ले जाने पर उन वस्तुओं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। क्लियर बच्चों? बात समझ में आया? तो ये चीज है आपके वैद्युत गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों के प्रकार। तो कितने प्रकार के हुए बच्चों? चार प्रकार के हुए। नंबर एक चालक सुचालक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो सके। अचालक सुचालक, जिसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता। अचालक, जिनमें चालक और अचालक दोनों का गुण होता है उसे अचालक। परावैद्युत पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें जिन्हें आपस में रगड़ कर सूक्ष्म वस्तुओं के पास ले जाने पर उन वस्तुओं पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो याद रखना ये परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला खास करके। बाकी इन दोनों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं चर्चा में, तो कॉपी कर लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक, आवेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। आवेशन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु हो या पदार्थ, उस वस्तु या पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही आवेशन है। आवेशन का मतलब किसी वस्तु को आवेशित करना। क्लियर? तो चलिए परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्लियर बच्चों? परिभाषा समझ में आया? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आवेशन की विधियां। किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है? तो आवेशन की विधियां। तो प्यारे बच्चों, आवेशन की दो विधियां होती हैं। नंबर एक संपर्क, विधि द्वारा, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है असंपर्क विधि द्वारा, असंपर्क विधि।
असंपर्क विधि मतलब होता है, संपर्क मतलब इसमें संपर्क कर, असंपर्क मतलब बिना छुए। अब संपर्क विधि को यहां पर दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला पॉइंट है बच्चों घर्षण द्वारा और दूसरा पॉइंट है चालन द्वारा। इस असंपर्क में केवल एक ही पॉइंट होता है प्रेरण द्वारा। प्यारे बच्चे बहुत अच्छा टॉपिक है, बढ़िया से समझिएगा इसको। तो आवेशन किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आवेशन। आवेशन की विधियां, आवेशन दो प्रकार के, मतलब आवेश से किसी भी वस्तु को आवेशित करने की दो विधियां होती हैं। नंबर एक संपर्क विधि और नंबर दो असंपर्क विधि। संपर्क विधि में दो पार्ट आते हैं घर्षण द्वारा और चालन द्वारा, और असंपर्क में केवल एक ही मेथड आता है, वो है प्रेरण द्वारा। क्लियर? तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग घर्षण द्वारा। हेडिंग का नाम डालिए घर्षण द्वारा आवेश। घर्षण द्वारा आवेश पहला पॉइंट, घर्षण द्वारा आवेश। तो प्यारे बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करना पड़ेगा? हम कोई दो वस्तु लेंगे और इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे अर्थात घर्षण करेंगे, और जब रगड़ते हैं बच्चों तो रगड़ने के पश्चात आप लोग को पता है कि किसी एक वस्तु पर धन आवेश और किसी एक दूसरी वस्तु पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। जितना इस पर धन आवेश आएगा उतना ही इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होता है उसका परिमाण बराबर होगा, परंतु चिन्ह क्या होगा? अलग अलग। क्लियर? जैसे मान लेते हैं बच्चों जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो इस पर मान लेते हैं दो धन आवेश और इस पर कितना आ जाएगा? दो ऋण आवेश। क्लियर? तो इस प्रकार परिमाण में दोनों आवेश क्या है? मात्रा बराबर है, लेकिन चिन्ह में क्या है? विपरीत। तो इस प्रकार के आवेशन को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक पॉइंट और इसमें याद रखने योग्य है कि घर्षण द्वारा आवेशन में कि दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा इस वस्तु में उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित होगा। क्लियर? इस चलिए परिभाषा लिखते हैं। जब ऐसे लिखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है बच्चों, याद रखना घर्षण द्वारा आवेशन परिभाषा नहीं है, बस एक स्टेप के रूप में है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब किसी एक वस्तु पर धन आवेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, ऐसे। क्लियर बच्चों? अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो
वस्तुओं के बीच, तो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो क्लियर बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु पर धन आवेश और दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे एक वस्तु पर धन आवेश और दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। क्लियर बच्चों, तो कॉपी करिए। तो प्यारे बच्चों समझ में आया घर्षण द्वारा आवेशन में, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, मतलब भाई ये संपर्क विध के पार्ट है, तो संपर्क विध में है, जिसका मतलब इसमें भी दो वस्तुओं को आपस में संपर्क किया जाएगा चाहे जैसे। क्लियर, तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा बच्चों, इसमें एक आपको सुचालक पदार्थ लेना होगा और एक कुचालक पदार्थ अर्थात उदासीन। तो प्यारे बच्चों बताया गया था कि कुचालक पदार्थ को ही उदासीन पदार्थ कहते हैं, याद रखना उदासीन पदार्थ कहते हैं। उदासीन पदार्थ पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, पिछले वीडियो में बताया गया। क्लियर, तो ये चीज दिमाग में रखना, जो बच्चे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे उसको देख ले ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं चालन द्वारा आवेशन में, इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित पदार्थ को, आवेशित पदार्थ मतलब चालक या सुचालक, आवेशित पदार्थ को चालक तार द्वारा किसी अनावेशित, जो ऐसे बनाते हैं ठीक है, किसी आवेशित पदार्थ को चालक तार द्वारा संपर्क करके अनावेशित पदार्थ को आवेशित किया जाता है। बात कर पा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित पदार्थ को क्या करेंगे, चालक तार द्वारा संपर्क करेंगे, उसके बाद अनावेशित पदार्थ को आवेशित करते हैं ठीक है। तो आवेशित पदार्थ को चालक तार द्वारा संपर्क करके अनावेशित पदार्थ को आवेशित किया जाता है। क्या करते बच्चों, हम ले लेते हैं यहां पर आवेशित पदार्थ जिसमें धन आवेश है, ए है आवेशित पदार्थ। अब इस आवेशित पदार्थ
से एक अनावेशित पदार्थ को अर्थात उदासीन पदार्थ को क्या करना है, आवेशित करना है। उदासीन पदार्थ मतलब इसमें प्लस माइनस की संख्या क्या है, बराबर है बच्चों, क्लियर। तीसरी, अभी लिखा नहीं जाता है, हमेशा याद रखना कि उदासीन पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता है, या धन या ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है, क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, इसी आवेशित पदार्थ का संपर्क हम किसी तार द्वारा कर लेते हैं, एक चालक तार है। और जब चालक तार है बच्चों, इसके हम जैसे ही संपर्क करेंगे तो यहां पर आवेश जो है ना, इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगे, अर्थात आवेश जो है इसमें प्रवाहित होने लगेगा, एयर में। अब ये आवेश कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, क्लियर। अर्थात इसका भी पोटेंशियल बी और इसका भी पोटेंशियल बी नहीं हो जाता, बात समझ में। अब इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे यहां पर कब तक प्रवाहित होगा, तो ध्यान देना बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे छत पर एक टंकी रखी गई है, इसमें जल भरा गया है, और जमीन पर एक टंकी है ऐसे, आप यहाँ पर एक पाइप द्वारा जो है उनको संपर्क कर दिया जाए, और इसमें जल एकदम से नहीं है, जो जमीन पर रखी गई है इसमें जल है ही नहीं, तो प्यारे बच्चों जब इससे हम संपर्क कर देंगे तो इसमें से जल जो है इसमें आने लगेगी। अब ये जल कब तक आएगा बच्चों, जल कब तक आएगा इसमें, जब तक कि दोनों के स्तर बराबर नहीं हो जाते, दोनों के स्तर अर्थात जल के स्तर बराबर नहीं हो जाते, अर्थात जल की मात्रा बराबर नहीं हो जाती, तब तक यहां पर जल का प्रवाह होगा। तो सेम कहानी यहां पर भी है कि आवेश कब तक स्थानांतरित होगा, जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए, अर्थात पोटेंशियल शून्य ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर शून्य ना हो जाए, तब तक यहां पर आवेश का प्रवाह होगा, क्लियर बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों इस पर भी आवेश आ जाएंगे, तो इस प्रकार इस पर आवेश आ जाएंगे, ये भी आवेशित अनावेशित पदार्थ क्या है, आवेशित हो जाएंगे, अर्थात जब इनके बीच इनका पोटेंशियल भी इनका पोटेंशियल भी इनके बीच यहां पर वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य, और आवेश की मात्रा यहां पर बराबर, क्लियर। यहां लिखते हैं नोट में, नंबर एक यहां लिखते हैं नोट में, नंबर एक आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि जब तक आवेश की मात्रा समान न हो जाए, अर्थात विभव समान न हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य हो जाए, क्लियर बच्चों। तो एक आवेशित पदार्थ से अनावेशित पदार्थ में किसी चालक तार द्वारा आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए, अर्थात विभव समान न हो जाए, या हम बोल सकते हैं विभवांतर शून्य हो जाए, क्लियर। ये तब तक इस प्रकार बच्चों क्या होगा कि दो की दोनों ये उदासीन जो पदार्थ है ये भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, इसमें तो है ही आवेशित, और ये भी क्या हो जाएगी, ये जो चालक तार द्वारा जोड़ा गया है ये भी आवेशित हो जाएगी, क्लियर। तो दो के दोनों पदार्थ क्या हो गए बच्चों, आवेशित पदार्थ हो गए,
तो इस प्रकार आवेशन की विधियां में चालन द्वारा आवेशन हम इस तरीके से करते हैं कि चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित पदार्थ लेंगे और एक अनावेशित पदार्थ लेंगे और दोनों को हम चालक तार द्वारा संपर्क करेंगे और संपर्क करते ही यहाँ पर आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों आवेश का प्रवाह होगा कैसे कि जो उच्च विभव वाला आपका पदार्थ है, उच्च विभव वाला यही आवेशित पदार्थ है, उच्च विभव वाले से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। क्लियर। और जब तब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों की विभव बराबर ना हो जाए। तो आशा बच्चों की समझ में आया आप लोग को, तो काफी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए आगे इसी में नोट लिखते हैं, कुछ काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि उदासीन पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात आवेश की मात्रा शून्य होती है। दूसरा पॉइंट कि उदासीन पदार्थ पर नेट आवेश की मात्रा शून्य होती है। क्लियर बच्चों। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितना आपका धन आवेश होगा अर्थात धन आवेश बराबर ऋण आवेश, ऐसा एक उदासीन पदार्थ का गुण है। उदासीन पदार्थ में ऐसा होगा कि धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर, ए है कुचालक पदार्थ, इसमें प्लस माइनस की संख्या क्या होगी बराबर, या इनको ऐसे भी बना सकते हैं इसमें कोई आवेश ही न रखिए, न धन आवेश न ऋण आवेश, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे बच्चों, उदासीन पदार्थ। क्लियर। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे। तो आवेशन की विधियों में दो विधि हम लोग पढ़ चुके, एक घर्षण द्वारा और एक चालन द्वारा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरा प्रेरण द्वारा। तो क्लियर बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी भी वस्तु को आवेशित करना होगा तो उसको बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को ऐसे लिखते हैं, किसी अनावेशित वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो परिभाषा काफी आसान है, किसी अनावेशित वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को
प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आया प्रेरण द्वारा आवेशन, तो इसमें हम करते क्या है, एक अनावेशित पदार्थ और एक आवेशित पदार्थ है। तो हम एक लेते हैं बच्चों यहां पर आचालक गोला, प्रक्रिया देखना बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में यहां पर इनको किसी कुचालक स्टैंड द्वारा इनको खड़ा कर दिया गया। अब क्या करते हैं बच्चों, ये है कुचालक पदार्थ, आचालक या कुचालक उदासी, इसे कि जस्ट समीप हम एक आवेशित पदार्थ प्लस वाला ले जाएंगे, यह है आवेशित पदार्थ। अब आपको पता है उदासीन पदार्थ में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, क्लियर। फर्स्ट मेथड में इनके समीप में, फिर दूसरे में क्या होता है कि जब इनको बिना छुए आवेशित करना है, इनके समीप ले जाएंगे, इनके समीप ऐसे ले जाएंगे, तो जैसे समीप ले गए तो फिर अगले वाले पैटर्न में क्या होता है कि ये जो अचालक पदार्थ है अब आपको प्यारे बच्चों ये पता होगा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों इधर आपका प्लस और इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो इसमें जो है माइनस वाला पद जो है, जो संख्या है माइनस वाली संख्या देख रहे हैं, एक दो तीन चार जो भी है उनको क्या करेगा बच्चों, आकर्षित करेगा, और धनात्मक वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जब माइनस वाले को अर्थात ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, सॉरी आकर्षित करेगा, तो इसका मतलब अपनी ओर खींचेगा भाई, ऋण चिन्ह को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जब ऋण चिन्ह को अपनी ओर खींचेगा तो इसका मतलब इसकी जो सती हुई सतह है उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश, मतलब इस वाले सतह पर ऋण आवेश। और चूंकि पता है कि जो धन आवेश और ये धन आवेश दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसलिए बच्चों ये जो धन आवेश है ये दूसरी वाली सतह पर चला जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्लियर बात, ये दूसरे में हुआ है। फिर तीसरे में क्या बनता है, प्लस 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 प्लस, अभी भी ये आवेशित थोड़ी हुआ, अभी ये उदासीन ही है बच्चों, आवेशित कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले वाले पॉइंट में क्या किए, उदासीन पदार्थ को हम यहाँ पर आवेशित पदार्थ के समीप लाए, जो लाया गया, फिर दूसरे वाले क्या वो समीप लाते हुए देखते हैं कि जो इसके विपरीत वाला चिन्ह है उसको आकर्षित करता, तो इसका मतलब इसके समीप आ गया, और उसके बाद जो सजातीय आवेश है वो दूसरी सतह पर चला गया, क्योंकि प्रतिकर्षण होता है। अब प्यारे बच्चों ए बना कुचालक पदार्थ, ए ऋण आवेश, इधर धन आवेश आ गया। प्यारे बच्चों इसको हम क्या किए, भू संपर्कित कर दिए, अर्थात पृथ्वी से जोड़ दिए, अर्थ पृथ्वी से हम क्या कर दिए, जोड़ दिए तीसरे वाले पर। और जैसे यहां पर जोड़ दिए तो जोड़ने पर हमें मिलता क्या है कि ये जो धन आवेश है, ये धन आवेश तो इस वाले
आवेशित पदार्थ से तो प्रतिकर्षित हो रहा है, इसलिए धन आवेश इधर पृथ्वी में चले आएंगे ऐसे, और जबकि ऋण आवेश आकर्षित है इससे, अर्थात इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, तो इसलिए नहीं जा पाएंगे। बट प्यारे बच्चों, अगर ये धन आवेश इस पर चले गए, इस पर केवल बचे क्या ऋण आवेश, ठीक है। बट पीछे वाले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो आवेश या व्यतिकरण की अवस्था होती है उसके लिए केवल उत्तरदायित्व होता है इलेक्ट्रॉन, अर्थात कोई वस्तु अगर आवेशित है तो उसके लिए क्या हो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायित्व होता है, ना कि प्रोटॉन, अर्थात ऋण आवेश नहीं होता है, ऋण आवेश होता है धन आवेश नहीं, धन आवेश मतलब प्रोटॉन हो गए, और बताया गया अभी तक कारण। तो यहां पर हम कैसे यहां पर इनको पृथ्वी में ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन एज, और ये इलेक्ट्रॉन आकर क्या करते हैं इसको खत्म कर देते हैं, चौथे पॉइंट में क्या कर देते हैं, यूं 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 आए ऐसे खत्म हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इनको पृथ्वी से जोड़ा है, पृथ्वी से जोड़ने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों जो आवेश हैं इसमें से ऋण आवेश तो ऐसे बधा था, जबकि धन आवेश गायब हो गया। क्यों गायब हो गया बच्चों, आपको पता ही है, क्योंकि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चले गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों तो प्लस वाला ये जो पद थे ये सब क्या हो गए, गायब हो गए, इसे क्लियर। अभी भी ये पूर्ण रूप से आवेशित नहीं हुआ, तो आवेशित कैसे हुआ चलिए देखते हैं पांचवे पॉइंट में। अब इस जो आवेशित पदार्थ है, आवेशित पदार्थ को ध्यान देना, थोड़ा जगह कम है बच्चों, अभी जो आवेशित पदार्थ है इस पर जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश ऐसे धन आवेश तो गायब हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन द्वारा ऋण आवेशित हो गया। अब इस आवेशित पदार्थ को धीरे धीरे हम क्या करते हैं उससे दूर ले जाते हैं, और दूर ले जाते हुए ही हम क्या करते हैं इसका पृथ्वी से कनेक्शन काट देते हैं। ध्यान देना दोनों साथ में काम करना, एक अलग अलग नहीं कि इनको पहले ले जाओ फिर बाद में कनेक्शन काटो, नहीं धीरे धीरे इनको दूर ले जाओ, अर्थात इनसे असंपर्क में ले जाओ, और ज्यादा जैसे जैसे दूर ले जाएंगे उसके बाद इधर कनेक्शन आपका है, जैसे कनेक्शन कटेगा तो छठे पॉइंट में क्या होता है बच्चों, ये तो दूर तो चला ही आया प्लस प्लस प्लस, और ये जो आपका उदासीन पदार्थ था इस पर चारों तरफ ऋण आवेश है, इस प्रकार ये भी क्या हो गया बच्चों आवेशित पदार्थ, क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से समझते हैं एक बार कि किसी आवेशित वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन, तो क्या किया बच्चों यहां पर एक आवेशित पदार्थ ही उदासीन पदार्थ, तो क्या किया बच्चों इस आवेशित पदार्थ को इसके समीप ले गए, जैसे समीप ले गए बच्चों तो क्या हुआ कि इसके जो ऋण आवेश है इसके धन आवेश से क्या होंगे आकर्षित होंगे, यह सतह पर आ गई, और जो धन आवेश है इससे क्या होंगे प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए इस सतह पर आ गए विपरीत वाली सतह पर, क्लियर। अब क्या किए तीसरे वाले पॉइंट में कि हम इसको जो अचालक गोला है उसे हम क्या करें बच्चों, अभी भी ये उदासीन ही था ठीक है, इनको वो संप्रकित कर दिए, वो संपर्क जैसे कि बच्चों तो इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए, और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश होते हैं, और ये ऋण आवेश धन आवेश को गायब कर दिए, तो बचा इसके पास केवल ऋण आवेश। अब पांचवे पॉइंट क्या किए कि हम इस आवेशित पदार्थ को धीरे धीरे दूर ले जाए,
और उसके बाद उसी के साथ उसका कनेक्शन हम काट दें, और जैसे कनेक्शन कटा तो ये जो ऋण आवेश है ये समान रूप से इस गोले पर अर्थात अचालक के गोले पर वितरित हो गया। क्लियर? इस प्रकार अनावेशित पदार्थ कैसा हो गया? आवेशित हो गया। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? तो कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर तो चलिए प्यारे बच्चों समझ में आ गया ना? समझ में फिर से एक बार यहां पर वीडियो यूज करके आप आराम से देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो आवेशन करने की विधियां खत्म हो गई। तीन प्रकार के विधि पढ़े बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखते हैं, दो वस्तुओं को एक साथ आवेशित करने का प्रेरक विधि। तो प्यारे बच्चों अगर दो वस्तु हैं, मतलब जो कि दोनों वस्तु कैसे हैं उदासीन, और दोनों वस्तुओं को एक साथ आवेशित करने के लिए कैसे, तो ध्यान देगा बच्चों क्यों समझा रहे हैं इसे, और ऐसा कोई हीडिंग भी नहीं है, बस क्वेश्चन मिलता है ऐसा, तो ध्यान देना। पहले हम दो अनावेशित पदार्थ ले ली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके समीप एक आवेशित पदार्थ लेंगे प्लस प्लस प्लस। जैसे इसके समीप गया फर्स्ट मेथड में बना, तो दूसरे में क्या हुआ? ये बच्चे बताया गया इसके जस्ट पिछले टॉपिक में, इसके समीप ले जाएंगे बच्चों तो सीधी बात, इसमें यहाँ पर जो धन आवेश है, धन आवेश दूसरे वाले सतह पर जाएगा, इस पर केवल ऋण आवेश बचेगा, माइनस 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 माइनस, और इस पर क्या रहेगा बच्चों? केवल ये दोनों एक साथ में धन आवेश आएगा। क्यों भैया आएगा भाई? दो चार लाइन ऐसे बना सकते हैं आप लोग कि इसकी सतह में, तो इस प्रकार दोनों को आवेशित किया जा सकता है। तो याद रखना बच्चों कुछ भी नहीं है, अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो पहले ऋण वाली आवेश इस सतह पर आएगा धन आवेश, फिर उसको बहुत संपर्कित करेंगे फर्स्ट वाला रूल लगाएंगे। क्लियर? तो सेम कार्य वही शॉर्टकट में आपको याद रखना है, ऐसे बनेगा कि दो वस्तुओं को एक साथ कैसे आवेशित किया जा सकता है। क्लियर? तो लास्ट पॉइंट नोट करके याद रखना बच्चों, पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में विद्युत दर से, नाम सुने हैं आप लोग? नहीं। विद्युत दर से मतलब इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिससे आवेश की उपस्थिति का, आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। क्लियर? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा या आवेश की उपस्थिति को पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है बच्चों विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। तो प्यारे बच्चों लगे रहिए, मेहनत करिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है कूलॉम का नियम। ठीक है? तो कल हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, द्रव्यमान
कि परिवर्तन की जो द्रव्यमान में परिवर्तन वाला फार्मूला पढ़े थे बच्चों कि डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन इंटू एम ए। कल इस पर सवाल करते हैं, यही एक टॉपिक बचा था जिस पर सवाल नहीं हो, तो कल इस पर सवाल करेंगे, उसके बाद फिर कूलाम का नियम पढ़ेंगे, नहीं तो कूलाम का नियम पढ़ेंगे इसके बाद सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए।